देश विदेश में आपका स्वागत है। भारत में अफगानिस्तानी दूतावास आज से बंद हो रहा है और इस पर अफगानिस्तान की तरफ से औपचारिक बयान भी आ गया है। भारत में अफगानिस्तानी दूतावास बंद होने के पीछे कुछ वजहें भी बताई गई हैं, जिसमें मुश्किल समय में भारत से अपेक्षित मदद नहीं मिली, अफगानी नागरिकों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा दूतावास और संसाधनों की कमी भी एक वजह बताई गई है। और कहा गया है कि संसाधनों की कमी की वजह से कम किए गए कर्मचारी और कामकाज पर असर इसका पड़ा। अफगानिस्तान की तरफ से इस बात का खंडन जो है किया गया है कि उसके राजनयिक दूसरे देशों में शरण लेने की कोशिश करते हैं। आरजेडी के महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने महिला आरक्षण पर आपत्तिजनक बयान दिया है। मुजफ्फरपुर में अति पिछड़ा सामाजिक जागरूकता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि महिलाओं का आरक्षण जाति और पिछड़े अति पिछड़े के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने महिलाओं के बाल और लिपस्टिक पर कमेंट किया। आरजेडी नेता ने कहा कि इस महिला आरक्षण का फायदा उठाकर बॉबकट और लिपस्टिक वाली औरतें आगे आ जाएंगी। अब्दुल बारी सिद्दीकी के इस विवादित बयान को लेकर भाजपा पलटवार जो है उसकी तरफ से किया गया। बीजेपी के विधायक शेषी सिंह ने कहा कि सिद्दीकी कोई नेता नहीं है, ऐसे लोग महिलाओं को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं और इसी वजह से निम्न स्तर की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि सिद्दीकी को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। देखिए, ये उनकी जो एक संकीर्ण मानसिकता है वो दर्शाता है कि महिलाओं को लेकर अभी तक भी जो उनकी सोच क्या है। आज महिलाएं जो हैं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर उन्होंने अपना परचम ना लहराया हो। ऐसे उसमें इस संकीर्ण मानसिकता के साथ इस तरह की बात कहना, मुझे लगता है कि ये उनकी असभ्य मानसिकता का परिचायक है। इससे पता लगता है कि उनका सोच जो है अभी तक भी पुरातन सोच है, अभी तक जो है वो उस एरा में जी रहे हैं जिस समय में महिलाएं जो हैं वो बड़ा बड़ा घूंघट करके केवल और केवल अपने घर के काम तक ही सीमित रहती थी। आज भी वो यही चाहते हैं कि महिलाएं जो हैं वो बड़ा सा घूंघट करके और केवल परिवार की देखभाल तक सीमित रहें। मुझे नहीं लगता है कि, और जिन्होंने कहा है उनके परिवार की महिलाएं भी निश्चित रूप से लिपस्टिक लगाती ही होंगी, तो इस तरह से बयान देने से बचना चाहिए जिससे कि महिलाएं आहत हों। और हम लोग भी चाहते हैं कि जो भी पिछड़े लोग हैं उनको मौका निश्चित रूप से मिले, जब तक कि वो बराबरी में ना आ जाए। हम लोग भी ST SC OBC के रिजर्व महिलाओं के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं महिला रिजर्वेशन बिल में। अपने इस बयान के बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अब खेद जताया है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। गांव गंवई की जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, माँ बहनें कहिए जो कहिए, तो सिर्फ महज उनकी जो समझ है, समझदारी है, उसमें समझाने के लिए हमने इस भाषा का इस्तेमाल किया था। हमारा मकसद कहीं से किसी को आहत करने का नहीं था। और अगर किसी ने इसको मैं लिया है अपने पे किसाब, हमने उनको आहत किया है, हमने उनको आहत नहीं किया। अगर वो महसूस करते हैं तो हम खेद व्यक्त करते हैं। स्वच्छता अभियान में भाग लेकर आज देश भर में लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को स्वच्छांजलि अर्पित कर रहे हैं और यह अभियान आज सुबह 10 बजे शुरू होगा और इस अभियान के लिए एक तारीख, एक घंटा, एक साथ का नारा जो है वो दिया गया है। ये पहल स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2023 के कड़ी है। पीएम मोदी ने देश के लोगों से अपील की है कि वो इस अभियान में भाग लेकर एक घंटे श्रमदान करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत साझी जिम्मेदारी है। मन की बात के कार्यक्रम में पीएम ने कहा था कि लोग अपने गली मोहल्ले या किसी पार्क, नदी, झील या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर स्वच्छता अभियान से जुड़ें। स्वच्छता अभियान के तहत 6,40,000 से ज़्यादा जगहों को की पहचान की गई है। इसका उद्देश्य बस स्टैंड, रेलवे ट्रैक, स्टेशन,
जल निकायों, घाटों, झुग्गी बस्ती वाले इलाके, बाजारों, पूजा स्थलों और पर्यटक स्थलों को साफ करना है। प्रधानमंत्री ने कल ट्वीट करके एक बार फिर लोगों से स्वच्छता अभियान में शामिल होने की अपील की। उन्होंने लिखा कि स्वच्छ भारत देश के सभी परिवारजनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस दिशा में जन भागीदारी का हर एक प्रयास बहुत अहम है। आइए एकजुट होकर एक घंटा स्वच्छता को समर्पित करें और देश के उज्जवल भविष्य के निर्माण में अपना हाथ बटाएं। दिल्ली में गहने की दुकान में 25 करोड़ के सनसनीखेज चोरी के मामले में कई बड़ी जानकारियां सामने आई हैं। चोरी के लिए रैकी और फिर वारदात को अंजाम तक एक ही चोर ने ये पूरी जो वारदात है इसको अंजाम दिया। यहां तक कि ज्वेलरी शोरूम में एक रात आराम किया और फिर अगले दिन चोरी की। देखिए सुपर चोर की पूरी कहानी। ये वही शख्स है जिसने दिल्ली के जंगपुरा के ज्वेलरी शोरूम में 25 करोड़ की चोरी की। आरोपी से पूछताछ में कई बड़ी जानकारियां सामने आई हैं। आरोपी ने पुलिस को बताया कि पूरी चोरी में रेकी से लेकर प्लानिंग और फिर चोरी सब कुछ अकेले उसी ने की। जो एक्चुअल थेफ्ट है वो तो इसका अकेला का भी लग रहा है, क्योंकि जो इसमें एंट्री और एग्जिट है उसकी सीसीटीवी को देख रहे हैं। पर इन्वेस्टिगेशन एक बहुत लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस होता है जिसमें बहुत बात नई नई आते रहती है। हो सकता है कॉन्स्पिरेसी में कोई इन्वॉल्व हो, ऐसा जरूर कोई इन्फॉर्मेशन इसको मिला होगा, लेकिन फिलहाल एक्चुअल थेफ्ट में अकेला लग रहा है। पुलिस के मुताबिक वो पहले दो बार रेकी करने दिल्ली आया। जंगपुरा में उसने चोरी के लिए सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम चुना। इसके बाद 24 सितंबर यानी रविवार रात को बगल की बिल्डिंग से लोकेश रात 11 बजे शोरूम के अंदर गया। वो अपने साथ छेने, हथौड़ा, ग्राइडर और खाना ले गया था। उसने हाथों में दस्ताने भी पहने हुए थे जिससे फिंगरप्रिंट ना आने पाए। फिर रविवार रात उसने आराम किया और सोमवार सुबह से चोरी शुरू की। उसके बाद सोमवार शाम 7 बजे शोरूम से निकला और 8:40 पर दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे से सागर के लिए बस पकड़ी। इस बीच दिल्ली पुलिस को छत्तीसगढ़ पुलिस से लोकेश के बारे में जानकारी मिली। पुलिस ने लोकेश श्रीवास के बारे में गूगल किया। लोकेश श्रीवास की एक फोटो दिल्ली पुलिस को मिली जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे संदिग्ध से मैच कर गई। पुलिस को एक संदिग्ध सफेद शर्ट, काली पैंट और काले पिट्ठू बैग के साथ 24 सितंबर की शाम भोगल बाजार में दिखा था। फिर पुलिस ने लोकेश का मोबाइल ट्रैक किया। लोकेश का मोबाइल 25 को कश्मीरी गेट बस अड्डे पर ऑन हुआ था। पुलिस को 25 सितंबर की शाम 8:40 पर वह बस अड्डे पर सीसीटीवी में दिखा था। पुलिस ने पूरा रूट ट्रैक किया और लोकेश दुर्ग से पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक लोकेश फुल टाइम चोर है और केवल ज्वेलरी शोरूम में ही चोरी करता है। इस पे हमने इसका मूवमेंट ट्रैक कर लिया और हमें एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिल गया कि ये कबीर धाम का रहने वाला है। तो हमने फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जाने वाले बसेस को ट्रैक किया, उसमें से इसकी बुकिंग मिल गई। फिर वहाँ से ट्रैक करके हमें और कुछ टेक्निकल इनपुट मिल गया और उसकी टीम के साथ हम एग्जैक्ट लोकेशन पे 11 बजे पहुँच गए। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऑलरेडी मॉर्निंग से बिलासपुर पुलिस की इसके ऊपर रेड चल रही थी, तो वहाँ दोनों टीम पहुँच गई और उसके बाद सुबह ये मिल गया हमको। पुलिस के मुताबिक लोकेश एक दशक पहले अपने चाचा के सलून में काम करता था। उस पर दिल्ली, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चोरी के कुल 14 केस दर्ज हैं। लकी और अनिल चौहान जैसे चोरों का नाम तो सुना है जो अकेले बिना किसी गैंग के हजारों चोरियों को अंजाम दे चुके हैं। अब इसी कड़ी में लोकेश श्रीवास का नाम भी जुड़ गया है जो ज्वेलरी के बड़े शोरूम में ही चोरियां करता है। पुलिस के मुताबिक वो लोगों को साथ में इसलिए नहीं लेता कि चोरी का राज न खुल पाए और पुलिस उस तक न पहुँच पाए। नई दिल्ली से कैमरामैन अरुण नेगी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।